Hey everyone, welcome back to Automate with Amit, and we are back with our first episode of AWA Talks, where we are going to discuss different aspects of automation testing and IT industry in generic, what is in news and all those things, okay? And this is our first episode. We had shot this particular video when we started this year, 2024. I had already, you know, announced that we are coming up with new episode of AWA Talks, but due to some delays, I could not release that, so I really sorry for that. So if you are new to the channel, please make sure to subscribe the channel and please make sure to hit the like button. And if you wanted to add some more topics which you want me to discuss with upcoming guests, please make sure to drop a comment with your questions. I will definitely ask those questions to upcoming guests, okay? And I hope you enjoy this video. Okay, Tanuj bhai, how are you? Or thank you for joining me. So, कैसे हो आप? मैं एकदम बढ़िया यार. आप कैसे हो? मस्त मस्त यार. क्या तैयारी चल रही है Happy New Year की? सब happy है. Actually, at the end of this year, हम लोग मिल रहे हैं और I hope 2024 is going to be more, you know, useful. We are trying to do a lot of things. So I hope हम अपने subscribers और जो भी लोग हैं हमसे जुड़े हुए हैं we will try to give them value. So okay, so with that I would like to ask भाई, so can you please introduce yourself? कैसे आप मतलब शुरू किया आपने automation में, कैसे जर्नी रही अभी तक? सबसे पहले तो आपको congratulations अमित भाई, आपने काफ़ी कुछ किया है और मेरे हिसाब से सब्सक्राइबर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जितने भी लोग हमसे हमसे जुड़ते हैं, जितना भी वो सुनते हैं हमको, हमारे एक्सपीरियंस से उनको फ़ायदा ही हो. आप अच्छा कर रहे हैं कि मैंने अभी देखे आपके 4-5 वीडियो पुराने, काफ़ी अभी क्योंकि उम्र आपकी सीरीज चल रही है. एक्सपीरियंस के हिसाब से तो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है कि हम दोनों साथ में ही कलिंगा से स्टार्ट की थी हमने हमारी जर्नी. तो मैं 2014 में जब ख़त्म हुआ था, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम तनुज है और मैं पुणे में ही रहता हूँ, अमित भी वहीं रहता है, और करंटली मेरी कंपनी नगेरो, और हम दोनों का एग्जैक्टली सेम ईयर सेम मंथ और सेम डेज हुए हैं. एक्सपीरियंस हमारा एक ऑलमोस्ट सेम ही है. हमने मेरी अभी करंट कंपनी है नगेरो और मैं स्टाफ इंजीनियर, सीनियर स्टाफ इंजीनियर, एज अ सीनियर स्टाफ इंजीनियर मैं काम कर रहा हूँ, और मुझे लगभग 9 साल हो गए लगभग, ना 9 साल उनको मार्च, 3 महीने कम मार्च में, हाँ 3 महीने लगभग हो ही जाता है इतना, ठीक है. तो लगभग ऑलमोस्ट 9 इयर्स हो गए हैं हमको. मैंने स्टार्ट कर दिया जर्नी, मेरे को इसी में इंटरेस्ट था, मुझे कोडिंग और इन सब चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट था. इलेक्ट्रॉनिक्स थी मेरी ब्रांच, लेकिन उसमें भी काफ़ी सारे अपने कंप्यूटर साइंस के रहते ही हैं सब्जेक्ट्स, तो मैंने अपना इंटरेस्ट वो पकड़ा और 2014 में पास आउट हूँ. उसके बाद में जो है मैंने सीटेक किया इलेक्ट्रॉनिक सिटी बैंगलोर से, 6 महीने का कोर्स था और उसके थ्रू मुझे कंपनी मिली थी KPIT. अच्छा, लेकिन उनका काफ़ी एक्सटेंड और डीले हो गया था प्रोसेस, ऑफर लेटर देने का और वो सब, काफ़ी लेट उनका मेल आया, तो तब तक मैं माइंट्री में सेलेक्ट हो गया था और मेरे माइंट्री की जर्नी स्टार्ट हो गई थी, जो कि आपको भी पता है हमारा कैसा रहा वहाँ पे. तो 3 महीने, 3.5 महीने अपन कलिंगा में थे, जो कि भुवनेश्वर का एक पार्ट है, और उसके बाद से हम पुणे में थे, और उसके बाद तो काफी, तो उसके बाद मैंने, अभी ये मेरी फोर्थ कंपनी है माइंट्री के बाद. और बस माइंट्री के बाद, मतलब माइंट्री में आपने कैसे एज ए डेवलपर ज्वाइन किया था या फिर कैसे ज्वाइन किया था? नहीं, ऐसे डेवलपर ऐसा कुछ नहीं था. हमारी जो ट्रेनिंग हुई, जो हमारी ट्रेनिंग हुई थी वो तो एज ए डेवलपर ही हुई थी, लेकिन लास्ट में बहुत सारे, जो हमारा बैच था उसके अंदर करीब 13-14 लोग थे, तो काफी लोगों को ऑटोमेशन एज ए ऑटोमेशन टेस्टर्स जो था वो बनाया, किसी को परफॉर्मेंस टेस्टर बनाया, कोई प्योर टेस्टिंग के भी थे. तो मतलब ऐसा कुछ नहीं था, सबको ट्रेनिंग साथ में मिली थी पूरी डेवलपमेंट की, जिसमें हाइबरनेट, मतलब जावा के ऊपर ही था, तो हाइबरनेट स्प्रिंग और एक्चुअली कंपनीज में यही होता है, मतलब आप ट्रेनिंग आपको सबको जो है अलग अलग स्ट्रीम्स में मे बी दिलाए वो, बट इवेंचुअली यू नो
प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट के बेसिस पे ही दे एलोकेट रिसोर्सेस और उसी के बेसिस पे अल्टीमेटली आपको प्रोजेक्ट मिलता है. ऑनेस्टली स्पीकिंग सब कुछ तो बिजनेस ही है. आप आपके क्लाइंट्स ही नहीं रहेंगे तो आपको क्या क्या करेंगे ना. हालांकि डेवलपमेंट के बाद में आपका एक ऑटोमेशन फ्रेमवर्क भी अगर आप बनाते हो तो उसको डेवलप भी करते हो. ऑटोमेशन टेस्टिंग और ऐसा कुछ अलग मैं देखता नहीं हूँ, ऐसा डेवलप ही करते हो आप, राइट? एट द तो एंड आप कोडिंग ही है वो भी. एट द एंड कोडिंग ही है, आपको डेवलपमेंट ही करना पड़ता है, राइट? यू आर नॉट टेस्टिंग एनीथिंग, यू आर कोडिंग, मतलब कोडिंग आप कर रहे हो उसके अंदर. और डिफरेंट डिफरेंट फ्रेमवर्क्स होते हैं आपको डिफरेंट, पर आपकी मेंटेलिटी एज अ डेवलपर ही होनी चाहिए उसके अंदर. बाकी सारी चीजें तो तो टेक्नोलॉजीज हैं, फ्रेमवर्क्स हैं, अलग अलग डिफरेंट टाइप के. तो भाई जैसे आप मतलब आपको जब ऑटोमेशन मिला तो फिर उसके बाद कैसे मतलब क्या ऑटोमेशन में सेलेनियम ही आपने मतलब सीखा फिर, या फिर कुछ और मिला था और इवेंचुअली जो है अभी कैसा क्या ऑटोमेशन टूल्स यूज करते हो आप? हाँ, मतलब अगर मेंटेलिटी जानी जाए ऑटोमेशन टेस्टर्स, मतलब सबसे पहले जब मुझे पता चला था कि मुझे ऑटोमेशन में डाला गया, जब कलिंगा में ही हमको पता चल गया था कि आप ऑटोमेशन में रहेंगे, आप टेस्टिंग में रहेंगे, तो सबसे पहले क्योंकि हमारी ट्रेनिंग डेवलपमेंट में हुई थी इसलिए मुझे लगा कि डेवलपमेंट ही चाहिए मुझे. तो मैंने काफ़ी ट्राई किया, 2-3 महीना, 4 महीना, कि भाई डेवलपमेंट मिल जाए मिल जाए मिल जाए. पर मेरे सीनियर्स ऐसे थे, उन्होंने बताया कि एट द एंड तुमको ऐसा लगेगा कि तुमने कुछ अचीव किया है, तो वो अचीवमेंट तुम किसी में भी कर सकते हो. तुमको कोडिंग ही करनी है, पर तुम 10-15 साल बाद थोड़ी ही कोडिंग करोगे, राइट? यस तो यस तुमको वो पास द टॉर्च वाली सिचुएशन रहेगी कि तुमको किसी और को वो चीज़ देनी रहेगी. तो 15 साल तुम करेक्ट कोडिंग तो इसमें भी कर सकते हो ऑटोमेशन में. अगर तुम्हारा एग्जैक्टली पैशन है कोडिंग, तो तुम्हारा पैशन डेवलपमेंट में है कि कोडिंग में? पहले मैंने कहा कोडिंग करनी है मुझे, किसी कोई चैलेंज मुझे अच्छा लगता है. यस मैं क्वेश्चन तो भूल गया. एक्चुअली कैसा ऐसा ये होता है कि ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि डेवलपमेंट वर्सेस क्वालिटी क्यूए, कि कुछ लोग कहते हैं कि जो है मैनुअल टेस्टिंग या टेस्टिंग इज लेस देन डेवलपमेंट, और ऐसा चलता है लोगों के परसेप्शन में कि अगर आप ऑटोमेशन हो तो आप डेवलपमेंट से नीचे हो, और अगर आप क्यूए हो तो ऑटोमेशन वाले से नीचे हो, तो ये हायरार्की ऐसा लोगों के कुछ दिमाग में नहीं, बनी होती है. ऐसा ऐसा सो हाँ बिल्कुल बिल्कुल है. लेकिन तो मैं जब 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 हाँ तुमने बोल मतलब शुरू किया था तो उस टाइम पे भी ऐसा था क्या कि दिमाग में कि ओके मुझे ऑटोमेशन मिल रहा है तो हो सकता है मतलब मैं डेवलपर्स से कम हूँ, मेरी वो परसेप्शन रहता है कि डेवलपर बिल्कुल मतलब था, इज्जत वो बिल्कुल वाला. बिल्कुल. क्योंकि जब मैं सीडेक में था तब भी मेरे को डेवलपमेंट की ही ट्रेनिंग मिली थी. टेस्टिंग मेरे हाँ दिमाग में ऐसा कुछ था ही नहीं कि टेस्टिंग क्या है. टेस्टिंग अभी हमको 9 साल बाद में अगर कोई बोले तो हम उसको समझा सकते हैं, लेकिन हम उसकी मेंटेलिटी को समझ सकते हैं क्योंकि हम भी उस टाइम वहीं पे थे. बट हाँ, मतलब हाँ जैसे मैंने बताया, मेरे खुद के दिमाग में था, मुझे किसी को पूछने की जरूरत नहीं थी कि भाई टेस्टिंग क्या है और क्यूए, मतलब क्यूए एक चीज क्या है और डेवलपमेंट क्या है. मेरे हर चीज डेवलपमेंट ही थी. और मेरे हिसाब से काफी लोग जो जिनको पता चल रहा होगा कि वो टेस्टिंग में आएंगे, क्योंकि ज्यादातर इंडिया के अंदर सर्विस बेस्ड कंपनीज ही हैं, करेक्ट और उसके करेक्ट अंदर डायरेक्टली लोग ऐसे ही जाते हैं कि भाई आपको सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर चले गए हो, आपकी ट्रेनिंग हुई, आपको पता चला आप टेस्टिंग में. कोई ऐसे चूज नहीं करेगा उस चीज को, आपको दिलवाया जाता है वो चीज. करेक्ट तो मेरे दिमाग में वही थी कि ये चीज गंदी है, ये चीज अच्छी है, जो कि मतलब कोई ग्रे एरिया नहीं था मेरे दिमाग में कि हाँ ये बुरी है ये अच्छी है, ऐसे यही करना है. लेकिन जब मैं मतलब डिलीवरी मैनेजर से मिला, उनकी बात ऐसी थी कि अगर तुमको पता चले कोई प्लेन के अंदर, फ्लाइट के अंदर जा रहा है, बहुत अच्छी दिख रही है तुमको, यूआई उसका बहुत अच्छा, बैक एंड उसके पास का रिकॉर्ड इतना अच्छा है कि तुम कहोगे हाँ इसी में जाऊंगा जिंदगी भर, अब कोई दूसरी मुझे बैठेगी नहीं. लेकिन तुमको पता चले कि उसकी टेस्टिंग नहीं हुई, उसके इंजन की टेस्ट नहीं, उसका इंजन टेस्ट नहीं हुआ है उड़ने से पहले, उसकी सीट्स टेस्ट नहीं हुई है, ठीक करेक्ट है, फिर करेक्ट उसके बाद में उसके जो कॉकपिट का जो बटन्स है वो टेस्ट नहीं हुआ है, तो क्या तुम उसमें बैठोगे? उसमें नहीं बैठोगे. करेक्ट सबका अपना अपना इंडिविजुअल एक रोल रहता है, और उसी रोल के हिसाब से उनको काम करना पड़ता है. अब ऑटोमेशन और एग्जैक्टली मैनुअल ये चीजें कुछ मायने नहीं रखती है. तुम एक चीज को टेस्ट कर रहे हो, तुम एफिशिएंटली टेस्ट कर सकते हो यूजिंग ऑटोमेशन. सो इन दोनों में भी ऐसा कुछ नहीं है. अगर तुम पैशनेट हो किसी चीज के लिए तो तुम उसी में आगे बढ़ते रहोगे बढ़ते रहोगे. अगर तुम टेस्टिंग के लिए पैशन रखते हो तो तुम ऑटोमेशन भी सीखोगे और तुम छोड़ोगे नहीं, क्योंकि रूट तो वही है ना. सो बेसिकली ऐसा है कि मुझे लगता है कि कि आप टेस्टिंग के बिना तो
मतलब कितना भी डेवलपमेंट हो जाए वो विदाउट टेस्टिंग हो ही नहीं सकता विदाउट कुछ टेस्टिंग भी। हो ही नहीं सकता। कोई कोई प्रोडक्ट ही जो है मार्केट में नहीं आ सकता, और करेक्ट कोई करेक्ट प्रोडक्ट अगर मार्केट में नहीं आएगा तो विदाउट टेस्ट किया अगर आएगा तो देर इज 100% चांस टू फेल। करेक्ट तो करेक्ट जैसा आपने बोला कि जो है हर एक जॉब का एक अपना इम्पोर्टेंस है, सो बीइंग इट क्यूए या फिर डेवलपर, दे आर इम्पोर्टेंट एट देयर प्लेस, तो वो तो राइट सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ वही है, मॉड्यूलरिटी तो रहनी चाहिए ना हर चीज को। अगर आप अपने रूम के अंदर भी इतनी सारी चीजें देखे तो वो कोई एक ही बंदे ने तो नहीं करा है, सबने अलग अलग किया है। तो वही अगर आप सॉफ्टवेयर को देखते हो, किसी भी एप्लीकेशन को देखते हो, उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके रहते हैं। जैसे किसी बीए ने उसकी रिक्वायरमेंट दी होगी, एनालिस्ट ने अपनी रिक्वायरमेंट दी होगी, पीओज ने अपनी रिक्वायरमेंट दी होगी, डेवलपर ने काम किया होगा। अब डेवलपर्स के अंदर भी हो जाते हैं फ्रेगमेंट्स के, बैक एंड डेवलपर्स एंड फ्रंट एंड बैक एंड डेवलपर्स, राइट। यस यस और उसके बाद में उसने अच्छे से क्यूए हुआ है तो आपको अच्छे से एक्सपीरियंस मिलेगा उसका। अगर अगर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं मिला तो गाली तो आप डेवलपर को ही दोगे, राइट, या फिर उसके सीईओ को करेक्ट दोगे। लोगों को नहीं पता ना इतना, एग्जैक्टली बट अगर हाँ मतलब ये है कि अगर आप अच्छे से क्यूए नहीं करते हो किसी चीज को और बाद में कोई चीज आपको पता चलती है कि अरे भाई ये तो सब बन चुका है लेकिन इसके अंदर ये रह गई, तो वो बहुत ज्यादा आपको कॉस्टली रहता है और आपका जो रिपोर्ट है वो खराब हो चुका होता है इंडस्ट्री के अंदर। लेकिन इसलिए क्यूए जरूरी है। बड़ी बड़ी कंपनीज जो है उनको पता है क्या अहमियत है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है तो जो माइंडट्री है उसके अंदर तो पूरी एक बिल्डिंग ही जिसके अंदर टेस्टिंग, माइक्रोसॉफ्ट की टेस्टिंग होती है। वो क्यों इंपॉर्टेंट है वो तो अब माइक्रोसॉफ्ट को जाके भी हम बोल सकते हैं कि क्यों जरूरत है यार मत करो, बट वो समझते हैं उस चीज की अहमियत रखते हैं इसलिए। तो भाई जब मतलब आपने जब शुरू किया था तो मेरा ये क्वेश्चन था कि हाँ ऑटोमेशन बेसिकली क्या सीखा था, क्या टूल्स जो है शुरू यस किया और अभी कौन से टूल्स यूज कर रहे हो करेक्ट। आप? तो शुरुआत में तो हमारी जावा के अंदर ट्रेनिंग हुई थी, लेकिन जब मेरे को फर्स्ट अपना प्रोजेक्ट मिला था जो कि टेस्टिंग का ही प्रोजेक्ट था, तो उसके अंदर हालांकि शुरुआत में यही था, मैनुअल टेस्टिंग ही थी, कुछ महीने मैनुअल टेस्टिंग रही। उसके बाद में हमारे प्रोजेक्ट में रूबी यूज होता था, रूबी विथ सिलेनियम, और उसके अंदर मैं, अब काफी चीजें थी उस समय पर मैं अभी भूल चुका हूँ। एक कैपेबरा करके था जो मैंने यूज किया था, एक वाटर करके था जो मैंने यूज नहीं किया था, लेकिन ये सब फ्रेमवर्क्स हैं जो मोबाइल, ये मोबाइल टेस्टिंग के लिए यूज होता है रूबी के साथ में। तो ये सब चीजें हम गो थ्रू किए थे, हमने एक छोटा सा फ्रेमवर्क बनाया था, पीओसी करते थे कि हम इस प्रोजेक्ट में यूज हो सकता है कि नहीं हो सकता है। उस टाइम सेलेनियम भी नया नया ही था, ऑलमोस्ट जो है बहुत ज्यादा डिमांड शुरू हुई थी 2015-16 के आसपास। हाँ, तो एग्जैक्टली वही टाइम पीरियड था जब सब स्टार्ट हुआ था। मतलब टेस्टिंग तो पहले से करेक्ट होती थी, लेकिन जो एग्जैक्टली सिलेनियम, सिलेनियम भी 3 से ज्यादा मार्केट फेमस में हुआ है। हाँ सिलेनियम 3 से ज्यादा फेमस हुआ है, अभी मुझे हिस्ट्री तो इतनी नहीं पता है, आपको ज्यादा पता होगी। हाँ बट हाँ 2015 से काफी लोगों ने उसको स्टार्ट किया है, और उसका तो ग्राफ भी अभी देख सकते हैं कि उसके डाउनलोड्स और वो एनपीएम के अंदर जाके आप डाउन ग्राफ्स देख सकते हैं। तो हाँ 2015 से सिलेनियम का रहा। उसके बाद में मतलब ऐसा रूबी मैंने यूज किया, रूबी हालांकि कम टाइम के लिए यूज किया लेकिन रूबी यूज किया है। उसके बाद में जावा, जावास्क्रिप्ट के कुछ फ्रेमवर्क्स हैं वो यूज किए हैं। उस समय ऐसे ऐसे मैंने फ्रेमवर्क्स यूज किए हैं जिनका अभी कुछ नामो निशानी नहीं है, आप डिसअपियर हो गए वो तो तो कैसे अभी जैसे अभी नहीं, अभी कौन सा यूज करते हो? अभी भी सेलेनियम यूज कर रहे हो या फिर कुछ और यूज करते अभी हो? अभी मेरा बिल्कुल डिफरेंट हो चुका है, अभी मैं प्लेराइट यूज करता हूँ। अभी मेरे प्रोजेक्ट के अंदर रिक्वायरमेंट है एपीआई टेस्टिंग की, तो मैं अभी तो प्लेराइट ही यूज कर रहा सो हूँ। कैसा मतलब तुमने मतलब इस पे सेलेनियम पे भी काम किया है, प्लेराइट पे भी काम किया है, कैसा लगता है? मतलब क्या बेटर है अगर मैं पूछूँ तो व्हाट इज बेटर, सेलेनियम और प्लेराइट? हाँ मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही ज्यादा एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो गया, लेकिन देखा जाए तो कोई भी आप फ्रेमवर्क उठाते हैं, जैसे अगर आप, जैसे आज आप टेस्ट लीड हैं या टेस्ट मैनेजर मान के चलिए, और आपके हाथ में सब कुछ है कि आपको ही सब कुछ करना है, तो आप किस बेसिस पे उठाएंगे? आप जैसे आप रिएक्ट नेटिव, आपकी लाइब्रेरीज है राइट, रिएक्ट नेटिव, और आप ग्रे बॉक्स टेस्टिंग कर रहे हैं, तो उस केस के लिए मैं बोलूंगा जैसे डिटॉक्स फ्रेमवर्क एक आता है और बहुत सारे फ्रेमवर्क्स है जो ग्रे बॉक्स टेस्टिंग को सपोर्ट करते हैं, राइट। मैं आज के टाइम में ये कहूंगा, आज के टाइम में जैसे अगर आपके प्रोजेक्ट के अंदर ऐसे फ्रेमवर्क्स हैं जो, जिसके अंदर ऑटोमेशन मतलब यूआई ऑटोमेशन भी है और एपीआई ऑटोमेशन भी है, ठीक है, करेक्ट और तो उस लाइक केस के कैटलॉन अंदर, और अगर आपको एक ही फ्रेमवर्क यूज करना है
क्योंकि एक ही फ्रेमवर्क आप यूज करोगे ना, ऐसा थोड़ी कि इसके लिए मैं कोई अलग लैंग्वेज यूज करूँ, इसके लिए अलग फ्रेमवर्क यूज करूँ. तो प्लेराइट फ्रेमवर्क है, वो दोनों आपको प्रोवाइड करता है. राइट, प्लेराइट के अंदर आप यूआई ऑटोमेशन भी कर सकते हो और हेडलेस मोड वगैरह ये सब अलग ही सिलेनियम में भी कर सकते हैं. बट हाँ, मतलब प्लेराइट के अंदर यूआई प्लस एपीआई दोनों. तो आप आपका हाँ, मतलब कॉन्टेक्स्ट को स्विच नहीं करना पड़ता ज्यादा, एक ही कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप दोनों को देख सकते हो, मैनेज कर सकते हो. रिपोर्टिंग तो आजकल हर एक, कोई भी फ्रेमवर्क उठा के देखो, सबकी रिपोर्टिंग अच्छी है. तो प्लेराइट बट सेलेनियम में ये चीज प्रॉब्लम है कि सेलेनियम में मुझे लगता है ये चीज प्रॉब्लम है कि रिपोर्टिंग नहीं है सेलेनियम में, और सेलेनियम रिपोर्टिंग नहीं वाले है. जो है वो मतलब स्पेसिफिकली दे से कि दिस इज नॉट ऑटोमेशन टेस्ट टूल, दिस इज ऑटोमेशन अ टेस्ट टूल नहीं है. टूल टू ऑटोमेट द ब्राउजर्स बेसिकली. करेक्ट सो करेक्ट उनका करेक्ट क्लियर यू नो अगर एक यू गो टू देयर साइट सेलेनियम डॉट डेव तो वहां पे लिखा हुआ है सेलेनियम ऑटोमेट्स ब्राउजर दैट्स इट. सो उनका जो है सिंपल मोड है करेक्ट कि जो है करेक्ट. वो ऑटोमेशन टूल हाँ, नहीं है सिलेनियम एज सच. खुद में बस वो आपके सर्च कर सकता है, लोकेट कर सकता है, ठीक है, राइट, वो ये एग्जैक्टली सब चीजें कर सकता है, आपके बटन्स पे क्लिक कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है एक्शंस. लेकिन वो जब उसको भी कॉलोबरेशन चाहिए, या तो टेस्ट एनजी हो गया, क्यूकम्बर, बीडीडी, टीडीडी, हाँ. कोई भी टेक्नोलॉजी हुई अभी तक, तो यही दो मेजर है. तो तो ये जो प्लेराइट है में ये आपको सब एसेशन, टेस्ट एनजी वगैरह नहीं लगता क्या? प्लेराइट में ये सब चीजें नहीं लगता, उनकी इंटरनल एसेशंस है, वही हम यूज कर करके, एक्सपेक्ट्स यूज होते हैं उसके अंदर, वही अच्छा, एक्सपेक्ट यूज कर करके आप कर सकते हैं टेस्टिंग. तो बिल्ड टूल उसमें क्या यूज होता है? जैसे जो है सेलेनियम के साथ मेवन हम यूज करते हो तो उसमें हाँ, भी मेवन ही यूज होता है या फिर कोई और बिल्ड टूल यूज होता नहीं नहीं ऐसा कुछ बिल्ड टूल नहीं है, प्लेराइट के अंदर खुद है? का ही सब कुछ है. हाँ, जैसे अच्छा बिल्ड करने के लिए मेवन जरूर यूज होता है. अब जैसे मैं आपको बोलूँ, नोड जीएस की जो भी चीज है, नोड जेएस की कोई भी चीज है, जैसे मेवन में हम क्या देखते हैं कि जैसे एक पॉम एक्सएमएल बनती है जिसके अंदर हम सारी जो है डिपेंडेंसीज लिखते हैं, राइट. डिपेंडेंसीज के अंदर डिपेंडेंसी का टैग रहता है, उसमें सारी चीजें रखते हैं. लेकिन प्लेराइट एक अलग ही है जिसके अंदर आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उसको बिल्ड एंड प्ले कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ओके नहीं है. ओके सो एंड बेसिकली ऑल्सो आई मीन नाउ मतलब प्लेराइट हैज बीन बिल्ड. ज्यादातर जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स के साथ ऐसा है, इवन नाइट वॉच के साथ अच्छा ऐसा, साइप्रस मैंने यूज नहीं किया है. इवन वेब ड्राइवर आईओ के साथ भी शायद ऐसा ही है. अच्छा हाँ, ओके तो इसके अंदर कुछ ऐसा मेवन की, क्योंकि उसके अंदर क्या रहता है, एक पैकेज जेसन बनता है. ये तो काफी यार डिटेल हो जाएगी बात है, बट हाँ, उसके अंदर पैकेज बहुत जेसन ज्यादा बनता है. टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाते बट हाँ मुझे लगता है कि जो है प्लेराइट में क्या है कि बिगेस्ट जो ये अच्छा है ये वो ये है कि एपीआई प्लस यूआई दोनों ही कर सकते हैं. सेलेनियम में बेसिकली इसमें ये है कि यूआई तो ऑफ कोर्स उसके लिए तो बना ही है बट डेव टूल्स का यूज करके समवॉट वी कैन लुक इनटू द यू नो नेटवर्क टैब और वो सब चीजें थोड़ा बहुत कर हाँ सकते हाँ तो हैं बट प्लेराइट नॉट के अंदर एज एक पर चीज और है. एपीआई, हाँ प्रॉपर एपीआई टेस्टिंग हम हाँ सेलेनियम से नहीं कर सकते. हाँ उसमें एक और चीज है प्लेराइट के अंदर, जैसे नेटवर्क आइडल का शायद हमने डिस्कस भी किया था इसको, कि उसमें एक नेटवर्क आइडल का फीचर है जिसमें कोई भी अगर यूआई टेस्टिंग हम कर रहे हैं और कोई भी पेज है जिसके अंदर नेटवर्क एपीआई कॉल्स हो रहे हैं, और एपीआई कॉल से जो है डेटा पॉपुलेट हो रहा है, तो हमको हमको पता नहीं कितना टाइम लगेगा. तो सिलेनियम में हमको एक एक्सटर्नल वेट देना पड़ेगा, मे बी 5 सेकंड हो जाए, मे बी 10 सेकंड हो जाए. लेकिन वेट्स नहीं प्लेराइट देना में, पड़ता प्लेराइट में. हाँ, तो प्लेराइट के अंदर एक नेटवर्क आइडल का ही एक फीचर है, हम वो दे सकते हैं कि टिल नेटवर्क आइडल आप वेट कीजिए, उसके बाद में हम ये प्रोसेस करेंगे चीजों को. तो उसके अंदर वो एक फीचर है, सो वो काफी अच्छा लगा. करेक्ट करेक्ट. सो बेसिकली मतलब देयर आर लॉट ऑफ फीचर्स इन प्लेराइट व्हिच आर नॉट हाँ देयर इन सेलेनियम बट यू नो दीज टूल्स लाइक सेलेन सॉरी दिस प्लेराइट और साइप्रस दे आर कॉल्ड काइंड ऑफ यू नो टू टेस्ट द न्यू एज यूआईज और करेक्ट. न्यू एज सॉफ्टवेयर राइट. सो यू नो रिएक्ट जेएस पे बन रहा है या फिर कोई और इस टाइप की टेक्नोलॉजीज पे कोई एक सॉफ्टवेयर बन रहा है तो उसको उनको टेस्ट करने के लिए बेसिकली. सो सेलेनियम इज मोर ऑफ ब्राउजर ऑटोमेशन बट दीज टूल्स नाउ डेज विच आर गेटिंग बिल्ड दे आर मोर ऑफ ऑटोमेशन टेस्टिंग पर्सपेक्टिव से जो है ये बन रहे हैं दैट्स व्हाई दे आर मोर करेक्ट. पॉपुलर और इन टेस्टिंग डोमेन एटलीस्ट दे आर मोर पॉपुलर. दे आर मोर पॉपुलर, बट वही होता है कि आप जब कोई नए हो, आप 2-3 साल का एक्सपीरियंस, 4 साल का, और आपके ऊपर बर्डन इतना आ जाता है कि आपको प्रोजेक्ट के लिए टेस्टिंग फ्रेमवर्क, तो आप उस केस के अंदर शायद ऐसा फ्रेमवर्क चूज करो जिसका सपोर्ट ज्यादा है, जिसका सपोर्ट वास्ट है. आप एक बार क्वेश्चन पूछोगे,
कहाँ कहीं पे भी स्टैक ओवरफ्लो पे एक क्वेश्चन पूछोगे तो उसके 10 आपको आंसर्स मिले और सब सही हो. हाँ, वो केस के अंदर मुझे लगता है कि सिलेनियम अभी प्ले राइट अभी कहीं नहीं है. प्ले राइट के अंदर आते हैं, प्रॉब्लम आते हैं सेलेनियम इज सपोर्ट. यू नो ऑलमोस्ट मुझे लगता है 10-12 ईयर तो हो ही गए हैं जो है सेलेनियम को मार्केट में पॉपुलर हुए, बट पॉपुलर हुए. 2004 से सेलेनियम चला आ रहा है, तो इट इज वेरी हार्ड फॉर एनी न्यू टूल टू यू नो जस्ट रिप्लेस करेक्ट. एनी हाँ, मेरे हिसाब एग्जैक्टली से कोई भी नया टूल अभी आएगा, मे हाँ बी हाँ आगे जाके ये ट्रेंड चेंज हो, लेकिन जैसे करेक्ट. सिलेनियम 4 आया है उसमें भी काफी सारे फीचर्स हैं जो कि अच्छे हैं. अभी 5 भी आने वाला है, हाँ, तो 5 भी हो आएगा सकता तो है मे बी उसमें उसमें भी बहुत सारी चीजें बहुत सारे चेंजेस. चेंजेस हैं. रिसेंटली मैंने एक सेलेनियम का कॉन्फ्रेंस अटेंड किया था, उसमें वो दे वर डिस्कसिंग अबाउट सेलेनियम 5 एंड 6 फर्दर, कि क्या प्लान है 5 में, क्या प्लान है 6 में. सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर गोइंग टू कम इन सेलेनियम एज सच, एंड आई थिंक देर आर लॉट ऑफ न्यू टूल्स अवेलेबल इन द मार्केट, बट दे आर नॉट यू नो कंपेरेटिवली क्लोजर टू सेलेनियम, सो दैट इज देयर. नहीं तो तो ठीक माई है ना, एक अच्छा है. सो दैट इज अ गुड अभी थिंग. आई तो थिंक इन दैट केस देयर वोंट बी एनी मोनोपोली ऑफ टेस्टिंग फ्रेमवर्क, राइट? इफ यू आर हाँ हाँ कंसीडरिंग हाँ सिलेनियम एज अ टेस्टिंग फ्रेमवर्क, सो इन दैट करेक्ट केस देयर वोंट बी मोनोपोली ऑफ एनी ऑफ द टेस्टिंग फ्रेमवर्क इन द मार्केट, एंड मोस्ट ऑफ द फ्रेमवर्क विल बी गेटिंग इन द मार्केट एज अ फ्री और ओपन सोर्स, राइट? हाँ सो दैट्स अ गुड करेक्ट थिंग फॉर अ करेक्ट टेस्टर्स, राइट? अभी पता करेक्ट चला एक ही टेस्टिंग का फ्रेमवर्क है, उसके लिए आपको पे करना ही है. तो इवन लाइक 50 रुपीज और 100 रुपीज इज मच मोर फॉर लर्निंग, राइट? अभी कोई एग्जैक्टली स्टूडेंट है, उसको अगर लर्न करना है तो वो 50 रुपये 60 रुपये भी क्यों देगा ना भाई, राइट? एग्जैक्टली सो दैट इज अ गुड थिंग. आई थिंक होना चाहिए, वी आर लॉट कॉम्पिटिशन ऑफ होना चाहिए. चॉइसेस, यस ऑलवेज यस देयर यस शुड बी चॉइसेस दैट हेल्प्स टू लर्न एंड ग्रो थिंग्स. करेक्ट सो करेक्ट करेक्ट. नाउ इट इज यू नो अभी तो जो है AI टूल्स भी हैं, राइट? बहुत सारे AI टूल्स आ रहे हैं, तो हाउ अबाउट योर एक्सपोजर ऑन AI टूल्स, लाइक व्हाट डिफरेंट AI टूल्स इन ऑटोमेशन टेस्टिंग इफ वी टॉक अबाउट स्पेसिफिकली, तो अपार्ट फ्रॉम यू नो ChatGPT, भाई वो सीखना शुरू किया क्या? मतलब डू यू यूज हाँ चैट हाँ जीपीटी इन योर ऑनेस्टली डे टू आई डे हैव लाइफ? ट्राइड ओनली चैट जीपीटी. आई लाइक ऑल्सो द बार्ड. बार्ड का मेरे को इतना नहीं हाँ नॉलेज है, अच्छा बट आई स्टार्टेड यूजिंग चैट जीपीटी. व्हाट आई हैव गिवन इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, लाइक आई दिस एंड दिस साइट व्हिच आर हैविंग दिस मच फील्ड्स. आई हैव अ डैशबोर्ड पेज वेयर ऑल द यूजर, आई कैन सी ऑल द यूजर्स एंड ऑल. आई कैन व्हाट आई वांट टू डू, आई हैव गिवन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, लाइक आई वांट टू ऑटोमेट दीज टू पेजेस. सो हाउ कैन आई डू दैट? Also helped me with creating the cucumber file, like अच्छा the feature file. So it created the feature file also, and also given me this step definition. स्टेप डेफिनेशन, Step यस definition, सो but yeah, I've used that. ओके सो अदर ऑटोमेशन टूल लाइक व्हाट डू यू यूज, हैव यू हर्ड अबाउट टेस्ट रिगर? देर आर सम टूल्स व्हिच आर वेरी फेमस यू नो इन एंड दे आर आल्सो गेटिंग लॉट ऑफ अटेंशन बिकॉज ऑफ दे आर यू नो बैक्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थिंग्स और ML थिंग्स. सो हैव यू गॉट चांस नो नो टू नो, आई हैवन्ट गॉट एनी चांस. आई डोंट बिलीव इन दैट, ओके राइट? एज अ क्यू, आई डोंट बिलीव इन दैट बिकॉज आई डोंट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ लाइक हाउ वी कैन क्यू ए देम, राइट? बिकॉज दे आर जनरेटिंग रैंडम थिंग्स विद ग्रेट प्रिसीजन, बट वी कैन नॉट लाइक क्यू ए द ग्रेट प्रिसीजन ऑफ देम, राइट? सो कितना कितना ट्रस्ट करेंगे ना कोई चीज हमको डेवलप नहीं करके नहीं दे रहा है. जैसे देखो इसमें दो चीजें हैं भाई. नाउ इट इज यू नो लॉट ऑफ ऑटोमेशन सॉरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड टूल्स आर कमिंग इन द मार्केट, राइट? और उनको भी टेस्ट करने के लिए इंजीनियर्स हैं, राइट? दे आर नॉट कमिंग जस्ट यू नो बाय डेवलपिंग एंड विदाउट टेस्टिंग. दे No, आर that is ऑल्सो कमिंग correct. इन द मार्केट विदाउट यू नो दे Definitely, टेस्ट, देन definitely. ओनली देन दे रिलीज इन टू द मार्केट, एंड Definitely, वेन yes. द प्रोडक्ट इज रिलायबल देन ओनली दे आर रिलीज इन द मार्केट, राइट? सो दे आर कमिंग इन द मार्केट एंड इवेंचुअली दे विल ग्रैब द मार्केट ऑल्सो, बिकॉज वॉट आई थिंक इज इट इज लिटिल हार्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बिकॉज यू नो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इट सेल्फ इज वेरी नेसेंट एट दिस टाइम, और अभी जस्ट शुरू हुआ है, तो धीरे 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 उसको टाइम लगेगा मुझे लगता है, बट इवेंचुअली जो है बहुत सारी चीजें चेंज होने में जो है समय नहीं लगेगा, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी यू नो अगर हम देखें सेलेनियम में भी लेट सपोज जो है कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बैक कुछ कर दे, तो हो सकता है जो है उसकी भी यू नो मार्केट वैल्यू बनी रहे, मार्केट शेयर बना रहे, बट
जैसे कि नया नया टूल्स आ रहे हैं मार्केट में, मुझे लगता है कि जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड टूल्स का जल्दी ही जो है बहुत या अच्छा मार्केट स्कोप होगा। आई थिंक हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं. व्हाट आई थिंक इज चैट जीपीटी और जो भी बार्ड एंड व्हाट नॉट, ये जो भी आया है, ये दे आर नॉट फॉर क्यूए, राइट? दे आर नॉट, दे आर बेसिकली फॉर दोज पीपल हु वांट टू क्रिएट कंटेंट, राइट? सो कंटेंट क्रिएशन के लिए वो एकदम सही चीज है. जैसे कोई भी चैटबॉट आता है तो हम कितना उसके लिए होते हैं कि अरे मैं इस क्वेश्चन पूछूं, जैसे वी हैड द सीरी वे बैक, वी हैव कॉर्टाना, राइट? लड़के लोग बैठे करेक्ट। हैं उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कैसे हो, हाँ राइट? तो हाँ मतलब ये जब कोई भी नई चीज ऐसी आती हो, एआई इज नॉट अ न्यू थिंग, राइट? एआई कोई वैसा वर्ड नहीं है. ये टेस्टिंग के लिए हमको क्या प्रोवाइड कर सकता है, मुझे नहीं समझ में आता अभी इस पॉइंट के ऊपर. हालांकि मैंने इसको यूज किया है, टू बी ऑनेस्ट आई हैव यूज दैट थिंग. मैंने उसको टेस्ट केसेस जनरेट करने के लिए, उसको फीचर फाइल और स्टेप डेफिनेशन, बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अभी भी कमी है जो कि रहेगी, वो कमी कभी खत्म नहीं हो सकती. तो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द ऑटोमेशन एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द कोडिंग, तो आई डोंट थिंक दैट पीपल विल बी यूजिंग दैट, राइट? एंड ये मुझे लगता है कि कंटेंट क्रिएशन के लिए ही यूज करेंगे ज्यादातर लोग. नहीं, मेरा यही है कि जो जॉब्स भी जाएगी वो कंटेंट क्रिएशन जैसे जो यूज करते हैं कंटेंट क्रिएशन एज अ लिविंग, जो कंटेंट क्रिएशन बनाते हैं, लाइंस बनाते हैं, टैग लाइंस बनाते हैं किसी प्रोडक्ट की, और मेरे हिसाब से उनकी जॉब्स को ज्यादा खतरा. तो मैं एक यूज केस बताता हूँ। एक्चुअली मेरे कंपनी में रिसेंटली एक हैकाथॉन हुआ था, तो हमारे क्या है कि हम डिफरेंट यूज केसेस के लिए यूज कर सकते हैं चैट जीपीटी। एटलीस्ट व्हाट आई हैड स्टार्टेड यूजिंग कि अगर मुझे एक, लेट्स सपोज, एक यूज केस मिला कि अभी मुझे जो है क्या करना है, एक मैं यूज केस बताता हूँ। तो एक मैं यूज केस देता हूँ कि लेट्स सपोज देर इज गूगल शीट। ओके, हम एक्सेल शीट जो है, जो प्रॉपर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट को ऑटोमेट करना है वो तो हमें पता है, बट हाउ अबाउट कि हमारा एक डेटा है जो कि गूगल शीट में है, ठीक है, उसको मुझे जो है ऑटोमेट करना है, बट हमें कोड नहीं लिखना है, राइट? हमें चैट जीपीटी की ही हेल्प से जो है उसको करना है। सो फॉर दोज काइंड ऑफ यूज केसेस एक्चुअली यस यस आई डेफिनेटली स्टार्टेड यस. यूजिंग इट। एक और यूज केस बताता हूँ। हमें एक, लेट्स सपोज हमारी एक यूटिलिटी है, राइट, और वो कुछ कंटेंट जनरेट करती है, कुछ लेट्स सपोज एक डेटा जनरेट करती है जो कि एक्सेल फॉर्मेट में जो है जाने वाला है, और उसको क्या करना है कि हमें उसका जो भी स्टेटस आया कि इतने, लेट्स सपोज इतने टेस्ट केसेस पास हुए, इतने टेस्ट केसेस फेल हुए, ये चीज है डेटा, और उसको हमें एक स्लैक इंटीग्रेशन के थ्रू, स्लैक के थ्रू स्लैक चैनल में जो है उसको पास करना है। तो इसको अगर हमें जो है एक ऑटोमेट करना है कि ऑटोमेटिकली जो है स्लैक में चला जाए, उसमें चला जाए, तो ये सारे सिनेरियोज एक्चुअली आई पर्सनली स्टार्टेड डूइंग दिस यूजिंग चैट जीपीटी। आई यूज चैट जीपीटी अ लॉट इन माय डे टू डे थिंग, सो आई एंजॉय इट यूजिंग इट। सो टाइम काफी टाइम बच रहा है. सेविंग के पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है बहुत ही यूजफुल है चैट करेक्ट जीपीटी करेक्ट भी। करेक्ट करेक्ट. टाइम सेविंग के यस, पर्सपेक्टिव से काफी है. ट्रेन, सो यू नो हाउ यू ट्रेन एंड हाउ यू हाँ गिव द प्रॉम्प्ट टू चैट जीपीटी, दैट बेसिकली इज मच मोर इम्पोर्टेंट, एंड दैट्स वॉट वी नीड टू लर्न दीज डेज। इन दैट केस इट्स लेट्स लेस सिक्योर, राइट? कोई भी ऐसे मनचला आएगा, उठा के बोलेगा ये क्या है, ये तो जावा का कोड ही नहीं है, ये तो जावा स्क्रिप्ट है, तुम गलत बता रहे हो. सो वही है, यस, मतलब मैं मेबी। जब एडिशन उसका देख रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था उसके फीलिंग के मांडवली करने की कोशिश कर रहा है, अरे ठीक है भैया इतने में कर देंगे, अरे ठीक है भैया इतने में कर देंगे. सो वो जो ट्रस्ट है वो थोड़ा खत्म हो रहा था. दैट्स व्हाई मुझे बस कंटेंट क्रिएशन के लिए लगता है वो, कोई भी चीज आप दो उसको 10 लाइनों में वो कर देगा. इवन इट कैन राइट द कॉन्टेंट ऑफ पीपीटी, जस्ट गिव द टॉपिक, इट कैन राइट द कॉन्टेंट ऑफ पीपीटी. लाइक लेट जस्ट से लाइक इसको 10 पन्नों के लिए मुझे चाहिए, 10 पेजेस के पीपीटी के लिए कंटेंट चाहिए, कैन प्रोवाइड यू समथिंग लाइक दैट, बट नॉट मोर देन दैट, आई आई थिंक. मतलब हाँ वो आपका सही है. इवन आई आई हैव सीन द एक्सटेंशन ऑफ चैट जीपीटी इन विजुअल स्टूडियो, आई हैव सीन दैट विजुअल स्टूडियो अच्छा, कोड, ओके। राइट? एंड माय फ्रेंड वाज आल्सो, ही हैज रिसेंटली डन द सीडेक फ्रॉम पुणे सर, एंड ही वाज यूजिंग दैट थिंग इन अच्छा, हिज टेस्ट, ओके, दैट्स टेस्ट में यूज कर नाइस, लेते दैट्स थे. नाइस। तो वो जो है, हाँ मेरे को पता है एक्सटेंशन है उसका कोडिंग के लिए, सब कुछ है. तो व्हाट लाइक चैट जीपीटी उसके अंदर तो वो सब सर्च ही करता होगा पीछे से, क्या इसका कोड क्या करेक्ट है, इसका कोड क्या है, एंड गिविंग द बेस्ट आंसर. बाकी वो करेक्ट खुद का करेक्ट इसमें इंटेलिजेंस क्या है वो तो अब किसको पता है.
ओके भाई, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो कैसा लगता है, मतलब अभी अगर जो लोग देख रहे हैं, लेट्स सपोज जो है वो बहुत सारे लोग जो है कंफर्ट जोन में हो जाते हैं, तो तुम्हारे ग्रोथ हिस्टोरी कैसे रही, मतलब कैसे कैसे ग्रोथ किया, कैसे कंपनीज चेंज की, और डू यू थिंक कि कंपनी स्विच करना अच्छा होता है या क्या होता है, एक ही कंपनी में बने रहना चाहिए या क्या प्रॉब्लम, हाँ, आई कैसा मेरे तुम्हारा मेरे एक्सपीरियंस? हिसाब से इसका ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। हाँ, मतलब आपको कंफर्ट जोन में कम से कम रहना। जो मेरा था, मैंने 6 साल या 7 साल के बाद में कंपनी चेंज करनी स्टार्ट करी थी। उसके बाद में अभी तक मैं चौथी कंपनी है, कंपनी चेंज करी थी। तो आप बस ये ध्यान रखें कि कंपनी किस में है, और ज़्यादा कंपनी के बारे में देखना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा देखना चाहिए, ताकि आप सेफर फील करें। और ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल आप एक कंपनी में रहो, 2 से 2.5 साल, मतलब अगर प्रोडक्ट बेस्ड में हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना सबसे पहले तो यही है। ये मत सोचो कि मैं लॉयल रहूंगा कंपनी से, कंपनी भी मुझसे लॉयल रहेगी। नहीं, कंपनी जो सीईओ है वो बिजनेसमैन है, और वो बिजनेस ही देख रहा है। अगर बिजनेस नहीं मिला तो निकालेगा, जो कि हम देखते ही आ रहे हैं एक दो करेक्ट सालों में, राइट? तो हाँ, करेक्ट, आपको कंफर्ट जोन से निकलना है, और वही आपका सबसे पहला लेसन है करियर ग्रोथ के अंदर। और हाँ, बल पैसों की अगर बात की जाए तो मतलब आप अगर किसी से पूछेंगे, अपने दोस्त से पूछेंगे, सबसे गलत है। आप बस ये कैलकुलेशन रखिए, 4 से 5 साल तक जितना भी आपका एक्सपीरियंस हुआ है ×2 कीजिए, उतना लैक्स होना चाहिए। और 4 से 5 साल के बाद में जितना भी एक्सपीरियंस हुआ है ×3 कर लीजिए, तो आपको पता ओके चल जाएगा आप कितने पीछे हैं और कितने आगे हैं। तो मतलब ये ऑन एन एवरेज नहीं है, ये बेस्ट प्रैक्टिस है आप देखने के लिए, आप मार्केट में कहाँ पे नहीं। ये तो मुझे भी देखना पड़ेगा फिर, क्या क्या चल रहा भाई है नहीं आप रहने दो, रहा। आप ×4 ओके करना पड़ेगा आपका। ओके भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। तो फिर जो है अभी जैसे अगर लेट सपोज कोई लर्न करना चाह रहा है या फिर यू नो ऑटोमेशन में है, और ऑटोमेशन से नेक्स्ट क्या चीज सीखे, जैसे अभी यू नो जिसने एपीआई शुरू कर ली है या फिर जिसने ऑटोमेशन शुरू किया है, या फिर क्या नेक्स्ट वो कर सकते हैं? मतलब ऑटोमेशन में समझा नहीं, मतलब जैसे ऑटोमेशन में ऑलरेडी है नहीं, और जैसे उससे मैनुअल है तो मैनुअल लोगों के लिए जो है ऑटोमेशन जो है अच्छा रहता है, राइट? दे थिंक कि हमें मूव करना है ऑटोमेशन में, तो अभी अगर ऑटोमेशन में कोई है तो वो क्या सीखे या क्या चीज नेक्स्ट ऐड करे टू देयर पोर्टफोलियो टू गेट मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज और इस टाइप मेरे से? हिसाब से अगर आपको सब कुछ आ गया तो मतलब आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया है मार्केट का, आप अच्छे से कंपनी में वेल स्टेब्लिश तरीके से हैं, और आपकी क्लाइंट सुन रहा है, तो बेटर है कि आप दूसरी टेक्नोलॉजीज जैसे AWS है, अबाउट द कॉस्टिंग एंड ऑल, राइट? सो यही चीज़ें हैं जो क्लाइंट को इम्पैक्ट करती है, राइट? तो पैसा, तो कुछ भी चीज़ है, आप कुछ भी, अब आप अगर आपको सब कुछ आ गया तो आप उस चीज़ को छोड़ दें। अब उसको जैसे अगर आप लीड हैं और आपको सब कुछ आ गया तो आप मैनेजमेंट में बढ़ सकते हैं, मैनेजमेंट मतलब टेक्निकल मैनेजमेंट में जा सकते हैं, राइट? यू कैन गाइड द पीपल, राइट, थ्रू द राइट वे। यू कैन मेक पीपल लर्न मोर अबाउट द ऑटोमेशन एंड ऑल दो स्टफ, राइट? क्योंकि वो तो है ही ना, जीवन तो खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्या? तो लोगों को तो बताना पड़ेगा। और एक्सपीरियंस के साथ साथ ये भी एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आने वाली जो जनरेशन है वो बेटर समझे, चीज़ों को जाने, आपने जो गलती करी है वो ना करे, और कैसे एक हेल्पफुल तरीके से आप कैसे उसको आगे बढ़ा सकते हैं, वो आपका नजरिया होना चाहिए। तो आपको सब कुछ आता है तो ये आपका माइंडसेट रहना चाहिए कि अब मैं क्लाइंट की हेल्प करूं, उसको कैसे बिजनेस में हेल्प करूं। जैसे फॉर एन एग्जांपल, जैसे ज्यादातर अभी क्लाउड टेस्टिंग होती है, इसमें मोबाइल्स होते हैं बहुत सारे, उसके भी बहुत सारे आपको पता ही है, इसके अंदर ब्राउजर स्टैक है, लैम्डा टेस्ट है, राइट, एंड बहुत सारे AWS डिवाइस फार्म और बहुत सारे हैं। तो उसके अंदर आप ये जानने की कोशिश, कितना सर्वर हमको लगेगा, कितने घंटे की हमारी टेस्टिंग है, वो सब एक POC बना के, एक डॉक्यूमेंटेशन के जरिए आप क्लाइंट को प्रेजेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि भाई किस में कॉस्ट इफेक्टिव ज़्यादा है, कम है, उस हिसाब से, और वही आपका रह सकता है। बाकी तो पर्पज़ ऑफ लाइफ तो टेस्टिंग नहीं होना चाहिए। बट हाँ, यही है, अगर आपने सब कुछ कर लिया है तो आप या तो लोगों को संभालिए, आपके जो नीचे काम कर रहे हैं उनको लर्निंग्स दीजिए, और मेरे हिसाब से तो काफी है ये, इससे मुझे ज्यादा लगता है तो। कि जो है इसमें एक पॉइंट और ऐड करूंगा कि जैसे अगर आप मैनुअल सीख रहे हो, राइट, तो मैनुअल आपने आप सीख चुके हो, तो ऑटोमेशन की तरफ बढ़ो। अगर ऑटोमेशन में लेट्स सपोज जो है यू स्टार्टेड विद सेलेनियम,
यू आई टेस्टिंग आपने सीख ली, तो आप यू कैन मूव टूवर्ड्स एपीआई टेस्टिंग रिलेटेड थिंग्स, राइट? सो यूआई एपीआई भी सीख ली है, तो कुछ सिक्योरिटी और टेस्टिंग, मतलब कुछ नया, सिक्योरिटी हाँ, परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस रिलेटेड टेस्टिंग, अगर इफ यू आर गेटिंग द चांस टू डू दैट, देन दैट्स गुड एंड दैट्स करेक्ट करेक्ट, यू नो बेटर थिंग, डेफिनेटली दैट्स बेस्ट थिंग. और डेफिनेटली यस. अगर ये भी कर चुके हो तो जो है डिफरेंट अक्रॉस द यू नो लैंग्वेजेस आप सीख सकते हो, मे बी सी शार्प, या फिर अगर आप कर रहे हो तो थोड़ा थोड़ा चेक करो कि जावा में कैसे करते हैं, थोड़ा थोड़ा चेक करो पाइथन में कैसे करते हैं. पाइथन इज वेरी मच इजियर लैंग्वेज, तो पाइथन में जाओगे तो पाइथन में और भी 10 तरीके की चीजें हैं जो यू कैन, व्हेन यू गो इनसाइड पाइथन देन यू विल लर्न कि क्या चीज कैसे कर सकते हैं. और मुझे लगता है कि जो है एक फन के लिए, मुझे लगता है कि आप इफ यू आर वर्किंग ऑन पर्टिकुलर यू नो प्रोजेक्ट्स की, ओके फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप लेट्स सपोज लिंक्डइन पे पोस्ट रोज करते हो, राइट? तो लेट्स ऑटोमेट दैट, कैसे कर पाओगे? तो वो एक ऑटोमेशन करोगे ना, तो दैट विल गिव यू सेंस ऑफ यू नो कॉन्फिडेंस एंजॉयमेंट प्रोवाइड करेगा. ऑल्सो, है ना? कॉन्फिडेंस भी देगा, एंजॉयमेंट भी लगेगा, अच्छा मेरा, मैं एक रोज कॉन्टेंट डालता हूँ तो मैंने एक एक्सेल शीट में डाला, वहां से जो है डायरेक्ट जो है जैसे ही डालता हूँ वैसे ही चल जाता है और डायरेक्ट ऐसे ऐसे करता रहता है. तो करेक्ट वो करेक्ट सारी करेक्ट चीजें जो है आप करोगे ना, तो मुझे लगता है जो है एक फन पार्ट और एंजॉयमेंट और लर्निंग साथ के साथ चलती रहेगी, तो वो करेक्ट अच्छा करेक्ट रहेगा करेक्ट करेक्ट लर्निंग करेक्ट. पर्सपेक्टिव से. और मैं ओके इसके साथ, सो इसके साथ बस ये लास्ट पॉइंट मेरा रहेगा. ठीक है, मतलब टेस्टिंग वगैरह ये सब कुछ सही है, बट एक वर्क लाइफ बैलेंस जो है आपको हमेशा से मेंटेन करनी है. इनिशियली ऐसा रहता है कि आप 2-3 साल के एक्सपीरियंस वाले हो तो आपको रात को 10-10, 11-11 बजे भी काम करा रहे हैं, दैट दैट इज ओके. बट वो हैबिट जब फॉर्म हो जाती है तो लोगों एग्जैक्टली का बैक प्रॉब्लम या स्लीप की क्या रहता है, इंसोम्निया वगैरह ये सब स्टार्ट हो जाता है. तो मतलब एक आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल होनी चाहिए, आप 8 से 9 घंटे से ज़्यादा काम मत कीजिए, और वो रखिए आप अपना, और मतलब एक्सरसाइज, रोज एक्सरसाइज, अच्छा डाइट लीजिए, इससे आपके बैक पेन, क्योंकि हमारे उम्र के अंदर आते आते, मतलब 30 के आसपास आते आते लोगों के बैक प्रॉब्लम और वो सब स्टार्ट हो जाता है. तो जो भी देख रहा है, जो भी देख रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने हेल्दी लाइफस्टाइल, ठीक है टेस्टिंग होती रहेगी Yes. मेरे Okay, हिसाब से. so with that, I think thank you, Tanuj bhai, joining us. Or I hope this video is going to be useful for people who are watching it. यस, Okay, ट्रेंडिंग नंबर so वन. thank you. Thanks. Thank चलो you, bhai. ओके ओके, थैंक यू अमित भाई, आपने मुझे इनवाइट किया, थैंक यू. Thank you for watching this video. I hope this was insightful and you got some information or some knowledge from this podcast. And if you wanted me to ask some more questions, please make sure to drop a comment and don't forget to like this video and subscribe the channel. See you in the next one.